नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है गमन एवं संचलन। अब हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय, गति के प्रकार और पेशी के बारे में। परिचय। संचलन जीवों में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जंतुओं एवं पादपों में अनेकों तरह के संचलन होते हैं। अमीबा सदृश एक कोशिक जीव में जीव द्रव्य का प्रवाही संचलन इसका एक साधारण रूप है। कई जीव पक्षमाप, कशाप और स्पर्शक द्वारा संचलन दर्शाते हैं। मनुष्य अपने पाद, जबड़े, पलक, जीवा आदि को गतिशील कर सकता है। कुछ संचलनों में स्थान या अवस्थिति परिवर्तन होता है। ऐसे ऐच्छिक संचलनों को गमन कहते हैं। टहलना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना, तैरना, उड़ना आदि सभी गमन या संचलन के कुछ रूप है। चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम में पक्षमाप भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और संचलन और चलन दोनों कार्य होते हैं। हाइड्रा अपने स्पर्शक, शिखर पकड़ने और चलन दोनों के लिए प्रयोग कर सकता है। हम अपने पाद शरीर की मुद्रा बदलने के प्रयोग में लाते हैं और चलन के लिए भी। उपर्युक्त प्रेक्षणों से संकेत मिलता है कि गति और चलन का पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दोनों के संबंध को उस उत्तके में समाहित किया जा सकता है कि सभी चलन गति होते हैं, लेकिन सभी गति चलन नहीं है। जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थिति की मांग और आवाज के अनुरूप बदलते हैं। फिर भी चलन की क्रिया प्राय भोजन, आश्रय, साथी, अनुकूल प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं या भक्षियों से पलायन के लिए की जाती है। गति के प्रकार। मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्यतः तीन प्रकार की गति दर्शाती है, यथा अमीबीय, पक्षमाभी और पेशीय। हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे महाभक्षाणु यानी मैक्रोफेजेस और श्वेताणु यानी ल्यूकोसाइट रुधिर में अमीबीय गति प्रदर्शित करती है। यह क्रिया जीव द्रव्य की प्रवाहित गति द्वारा कुक्कुट पाद बनाकर की जाती है। कोशिका कंकाल तंत्र जैसे सूक्ष्म तंतु भी अमीबीय गति में सहयोगी होते हैं। हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों में जो पक्षमाप उपभीति से आस्थारित होते हैं, पक्षमाप गति होती है। श्वास नली में पक्षमापों की समन्वित गति से वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूल कणों एवं बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है। मादा प्रजनन मार्ग में डिप का परिवहन पक्षमाप गति की सहायता से होता है। हमारे पादों, जबड़ों, जीवा आदि की गति के लिए पेशीय गति आवश्यक है। पेशियों के संकुचन के गुण का प्रभावी उपयोग मनुष्य और अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों के चलन और अन्य प्रकार की गतियों में होता है। चलन के लिए पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की पूर्ण समन्वित क्रिया की आवश्यकता होती है। पेशी एक विशेष प्रकार का उत्तक है जिसकी उत्पत्ति अध्यजन स्तर से होती है। यह एक व्यस्क मनुष्य के शरीर के भार का 40 से 50% हिस्सा पेशियों का होता है। इनके कई विशेष गुण होते हैं जैसे उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य एवं प्रत्यास्था। पेशियों को भिन्न भिन्न आधारों में वर्गीकृत किया गया है जैसे स्थापन, रंग रूप और उनकी क्रिया के नियमन पद्धति। स्थापन के आधार पर तीन प्रकार की पेशियां पाई जाती है, कंकाल पेशी, अंतरंग पेशी और हृदय पेशी। कंकाल पेशी। कंकाल पेशियां शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने में इनमें धारियां दिखती है, अतः इन्हें रेखित पेशी कहते हैं।
चूंकि इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती है। अंतरंग पेशी। अंतरंग पेशियां शरीर के खोखले अंतरंग अंगों जैसे आहारनाल, जनन मार्ग आदि की भीतरी भित्ति में स्थित होती है। यह आरेखित और चिकनी दिखती है, अतः इन्हें चिकनी पेशियां या अरेखित पेशी भी कहते हैं। इनकी क्रिया तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए ये अनैच्छिक पेशियां कही जाती है। ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक के अभिगमन यानी परिवहन में सहायता करती है। हृदय पेशी। जैसा कि नाम से विदित है, हृदय पेशियां हृदय की पेशियां हैं। कई हृदय पेशी कोशिकाएं हृदय पेशी के गठन के लिए शाश्वत रचना में एकत्रित होती है। रंग रूप के आधार पर हृदय पेशियां रेखित होती है। ये अनैच्छिक स्वभाव की होती है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र इनकी क्रियाओं सीधे नियंत्रित नहीं करता। कंकाल पेशी की संरचना और संकुचन क्रिया विधि को समझने के लिए हम इसका विस्तार से परीक्षण करेंगे। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी कई पेशी बंडलों या पुलिकाओं यानी फेसिकल से बनी होती है, जो संयुक्त रूप से कोलेजनी संयोजी उत्तक स्तर से घिरे रहती है, जिसे संपट यानी फैसिया कहते हैं। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली में आस्तरित होता है, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। पेशी रेशा एक संकोशिका है, क्योंकि पेशी द्रव्य यानी सार्कोप्लाज्म में कई केंद्रक होते हैं। अंतःद्रव्य जालिका अर्थात पेशी रेशों के पेशी द्रव्य जालिका यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयनों का भंडार गृह है। पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव्य में समानांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति है, जिसे पेशी तंतु यानी मायोफिलामेंट, पेशी तंतुक यानी मायोफिब्रिल कहते हैं। प्रत्येक पेशी तंतुक में क्रमवार गहरे एवं हल्के पट यानी बैंड होते हैं। पेशी रेशक के विस्तृत अध्ययन ने यह स्थापित कर दिया है कि इनका रेखित रूप दो प्रमुख प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन के विशेष प्रकार के वितरण के कारण होता है। हल्के बैंडों में एक्टिन होता है, जिसे आई बैंड या समदैशिक बैंड कहते हैं, जबकि गहरे बैंडों को ई बैंड या विषमदैशिक बैंड कहते हैं, जिसमें मायोसिन होता है। दोनों प्रोटीन छड़नुमा संरचनाओं में परस्पर समानांतर पेशी रेशक के अनुदैर्ध्य अक्ष में भी समानांतर व्यवस्थित होते हैं। एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं की तुलना में पतले होते हैं, अतः क्रमशः पतले एवं मोटे तंतु कहते हैं। प्रत्येक आई बैंड के मध्य में इसे द्विभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है, जिसे जेड रेखा कहते हैं। पतले तंतु जेड रेखा से दृढ़ता से जुड़ा होता है। ई बैंड के मोटे तंतु ई बैंड के मध्य में एक पतली रेशेदार झिल्ली, जिसे एम रेखा कहते हैं, के द्वारा जुड़े होते हैं। पेशी रेशे की पूरी लंबाई में ए और आई बैंड एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दोनों अक्रमित जेड रेखाओं के बीच स्थित पेशी रेशक का भाग एक संकुचन कार्य इकाई बनाती है, जिसे सार्कोमियर कहते हैं। विश्राम की अवस्था में पतले तंतुओं के सिरे दोनों ओर के मोटे तंतुओं के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर अतिछादित होते हैं। मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से अतिछादित नहीं होता, एच क्षेत्र कहलाता है। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय, गति के प्रकार और पेशी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे संकुचनशील प्रोटीन की संरचना और पेशी संकुचन की क्रियाविधि। धन्यवाद।